आज हम बनाएंगे बिहारी चिकन करी, वो भी एकदम हटके, जो कि हम बनाएंगे सरसों के तेल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन ले लेंगे, उसे धोकर अच्छे से साफ कर लेना है, जैसे वो एकदम क्लियर हो जाए, और फिर उसे हमने मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के लिए हमें डालना है नमक और हल्दी, और अच्छे से सारे चिकन को मैरिनेट कर लेना है, और करीबन इसे हम आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे, जैसे मसाले जो है हल्दी और नमक अच्छे से कोट हो जाए। बस आधे पौने घंटे के बाद एक पैन में हम डालेंगे ढेर सारा सरसों का तेल, और फिर हमें फ्राई करना है चिकन को। तेज आंच पे हमें चिकन डाल देना है, और फिर हमें अच्छे से इसे पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए ही, जैसे उसका जो बाहर का हिस्सा है चिकन का वो अच्छे से पक जाए और अंदर से ये जूसी रहे, क्योंकि अंदर से तो हमें बाद में पकाना है जब भी हम मसाले और इसके साथ में पकाएंगे। तो बस इसे अभी हमें चिकन को निकाल लेंगे 2 मिनट पकाने के बाद, और फिर उसी तेल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। मैंने यहाँ पे काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची डाल दी है, और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और फिर उसमें हम डालेंगे कांदा कटा हुआ स्लाइस पतला पतला। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे अब चिकन के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 पाव चिकन ही बना रही हूँ, तो मैंने उसके हिसाब से लिया है। आप अगर ज़्यादा चिकन बनाओ तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ और एक पूरी की पूरी लहसुन, क्योंकि इससे जो फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया आता है। ये सारे जो मसाले हैं वो सरसों के तेल में बनते हैं, और उसकी खुशबू बहुत ही अलग से आती है, क्योंकि हम नॉर्मली जो है सरसों के तेल में नहीं खाते हैं चिकन, हम लोग नॉर्मल तेल में बनाते हैं, पर सरसों के तेल की बात ही अलग है। और फिर उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट। मैंने यहाँ पे इसे क्रश करके डाला है, आप चाहो तो उसे पीस कर भी डाल सकते हो, पर क्रश करने के बाद इसका स्वाद डबल हो जाता है। तो बस अच्छे से इसे मिला लेंगे, और फिर उसमें जैसे कांदे जल्दी से पक जाए तो उसमें हम लोग डालेंगे नमक, और नमक डाल के इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे कांदों को। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे से पक चुके हैं कांदे। अभी इस स्टेज पे अगर कांदे पक जाए तो फिर अभी हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और हल्दी डाल दी है, क्योंकि पहले हल्दी बहुत डाली थी तो अभी थोड़ी सी हल्दी हम लोग डालेंगे। बस अच्छे से सारे मसालों को पका लेना है, और आप चाहो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, जैसे मसाले जो है वो तले में चिपके नहीं और मसाले जल नहीं जाएं। तो बस सब अच्छे से भून के हमें 2-3 मिनट भूनना है, और फिर अभी हम डालेंगे इसमें चिकन। तो अभी जो हमने फ्राई किया हुआ था चिकन वो उसमें डाल देना है, और चिकन को सारे मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेना है, जैसे सारे मसाले चिकन में चले जाए अंदर तक। और फिर इसमें थोड़ा सा हमें पानी भी डालना है, क्योंकि पानी डालने से चिकन अच्छे से पक जाता है। अभी हमें इसे ढक के पका लेना है, और ये सारा चिकन बनने में लगभग हमें 1.5-1.5 घंटा लग जाता है, पर ये अगर जितना हम धीरे से ये इसे पकाएंगे उतना ही टेस्ट बढ़िया आता है। अगर हम जल्दी जल्दी इसको पकाने लगेंगे तो उसका टेस्ट उतना नहीं आएगा, बट अगर हम इसे स्लो गैस पे आराम आराम से पकाएंगे घुमाते हुए बीच बीच में, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो रस है वो बना सकते हो, जो कड़ी है वो बना सकते हो कम या ज़्यादा। बस ये देखिए मेरा जो चिकन है वो बनके तैयार है, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ते डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए ये जो चिकन बना है बहुत ही टेस्टी बना है, और बहुत ही जूसी बना है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सरसों के तेल में इसे बना के देखिएगा, अलग सा टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया लगता है बिहारी चिकन। बस अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो। ये देखिए कितनी लाजवाब लगती है, आप इसे नान फुलके या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो।